नल भी चोरी हो रहे हैं, जो भी मसला है वो सब कब तक काबू पा लिया जाएगा इस मसाइल को? दो तीन दिन के अंदर अंदर काबू पा लिया जाएगा। नाज़रीन, चिन्यौर के हवाले से रिपोर्ट और गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया। इसी मसले पर मजीद तफ़सीलात देने के लिए हमने राब्ता किया है नुमाइंदे न्यूज़ 5 फारूक रशीद से। उनको बताएंगे की अब क्या सिफारिश चिन्यौर की। सर रशीद, हमें ये बताइएगा कि यूएनओ की जानिब से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाए गए थे चिन्यौर में, लेकिन आवाम को साफ पानी मुयस्सर नहीं है, अब क्या सूरत हाल है? क्या साफ पानी मुयस्सर हुआ है या अभी भी वही सूरत हाल है? अभी भी वही सूरत हाल है। मौजूम शाह वाला जो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है, अपील किया गया मुतद्दद बार, मुतलका महकमे को डीएमओ को इसके बारे में इन्फॉर्म किया गया, लेकिन वो इस बारे में कोई काम तैयार नहीं है। और जो एक्सियन है मुतलका महकमे का, बल्कि वो कहते हैं कि ये जो लाहौर की ये कोई टीम थी जिसने ये इंस्टॉल किए थे, ये उनकी जिम्मेदारी है, ये हमारे हैंड ओवर ही नहीं हुए। हमने अपने उधर भी बात की थी अख्तर रऊफ गुजर से, चिन्यौर के टीएमओ से, उन्होंने कहा था कि मसला हल कर लिया जाएगा। तो एक हफ्ते के बाद जब आप दोबारा देखा तो उनकी जानिब से कोई इकदाम नहीं किए गए। असल में यहाँ वो ब्लैक प्रॉब्लम है, यहाँ एक एक्सियन है मोहम्मद असलम नामी, वो कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। जब भी उसके पास वहाँ शिकायत लेके जाती है, मुतद्दद को सैकड़ों की फाइलें ऐसी हैं जिनको सुर्ख फीता की नजरें हैं जी, तो मुतलका डिस्ट्रिक्ट के डीसीओ से भी इसके बारे काफी अलर्ट किया, लेकिन उनके बारे में कोई अमल दरामद नहीं हो रहा जी। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा न्यूज 5 डॉक्टर ताहिर रशीद, 5 के नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगे करे थे। उनका कहना है कि वहाँ पे कोई चेंजिंग